जायंट समाचार में आपका स्वागत है और आज के समाचार में हमारी भी आवाज थोड़ी बुलंद है क्योंकि मंगलवार की रात्रि को गुजरात के जायंट्स ने वीवो प्रो कबड्डी लीग के इस संस्करण में करी धमाकेदार वापसी। तेलुगु टाइटंस ने शुरुआत अच्छी करी लेकिन मैच के छठे मिनट से खेल शुरू हुआ ऑलराउंडर राकेश का। राकेश के सुपर रेड से मैच में गुजरात का पलड़ा भारी हो गया और उसके बाद मैच में ना तो राकेश ने और ना ही जायंट्स ने वापस मुड़कर देखा। हाफ टाइम की सीटी बजने से पहले राकेश ने एक उम्दा डुबकी से टाइटंस के डिफेंडर्स को चौंकाया जिसके चलते हाफ टाइम पे स्कोरबोर्ड पे गुजरात टाइटंस से आगे रही। राकेश की धुआंधार शुरुआत के बाद दूसरे हाफ में टीम के धुरंधर डिफेंडर्स ने संभाली कमान और कई सुपर टैकल अर्जित कर मुकाबले में टाइटंस की वापसी को नामुमकिन कर दिया। डिफेंस में एक बार फिर परवेश भैंसवाल ने अपना लोहा मनवाया और 5 पॉइंट्स हासिल किए। राकेश की रेड पॉइंट के बदौलत मुकाबले के आखिरी लम्हों में टाइटंस को एक और ऑल आउट झेलना पड़ा और गुजरात ने मुकाबला 40-22 से अपने नाम कर लिया। 16 रेड पॉइंट्स के साथ राकेश गुजरात के हीरो रहे। जायंट्स वापस मैट पे उतरेंगे शुक्रवार की रात्रि को जब उनके सामने होंगे बेंगलुरु बुल्स। आज के लिए जायंट समाचार में इतना ही।